कर्नाटका के स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने को लेकर चल रहे हंगामे के बीच अब हिंदू संगठन कूद पड़े हैं। बीते दिन राज्य के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बजरंग दल ने छात्रों को कथित तौर पर जबरन भगवा स्कार्फ पहनाया। हालांकि बजरंग दल की इस हरकत का प्रिंसिपल ने विरोध किया है और हिंदू संगठनों को स्कूल में भगवा कैंपेन चलाने से रोका है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा घटनाक्रम 4 फरवरी का है। उडुपी जिले के बिंदूर कस्बे के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में बजरंग दल ने छात्र छात्राओं को जबरन स्कार्फ पहनाया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने भगवा स्कार्फ पहने इन छात्रों को कॉलेज में आने की इजाजत नहीं दी। कॉलेज के इस एक्शन पर बजरंग दल के जिला सचिव सुरेंद्र कोटेश्वर ने कहा, अगर हिंदू छात्राओं ने भगवा चोला पहन रखा है तो पुलिस उनको कॉलेजों में प्रवेश करने से रोक रही है। इसी तरह पुलिस को उन मुस्लिम छात्राओं को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हिजाब पहने हुए हैं और कॉलेजों में प्रवेश कर रही हैं। कोटेश्वर का कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कैंपस में प्रवेश करने की इजाजत दी तो उनका संगठन सभी हिंदू छात्रों को कैंपस के अंदर भगवा चोला पहनाएगा। छात्रों को जबरन भगवा स्कार्फ पहनाने पर कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में ना तो हिजाब पहनकर आ सकते हैं और ना ही भगवा गमछा पहनकर। दूसरी तरफ हिजाब पहनकर स्कूल आने की मंजूरी ना देने को लेकर छात्राएं नाराज हैं। ऐसी एक छात्रा सायरा बानो ने इंडिया टुडे को बताया, हिजाब हमारे जीवन का हिस्सा है, मेरे परिवार के बाकी लोगों ने भी हिजाब पहनकर कॉलेज में पढ़ाई की है। सायरा बानो ने सवाल किया कि अचानक से ये नियम क्यों लागू कर दिया गया। बानो ने पूछा, अगर हम हिजाब पहनकर कॉलेज जाते हैं तो इससे दूसरों को क्या नुकसान है? जब हम स्कूल के प्रिंसिपल से ये सवाल पूछते हैं तो वे इस सवाल का जवाब नहीं देते और वे हमें कहते हैं कि सरकार से बात करें। क्या हमारे लिए सरकार से बात करना मुमकिन है? सायरा बानो का आरोप है कि स्टूडेंट्स संस्था प्रमुख से बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। मुस्लिम छात्राओं के स्कूल में हिजाब पहनने से जुड़ा ये मामला अब राज्य से बाहर निकलकर संसद तक पहुंच चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने छात्राओं का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य उनसे लूट रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वे भेद नहीं करती। वहीं डीएमके के धर्मपुरी से सांसद सेंथिल कुमार ने लोकसभा में छात्राओं के हिजाब के मुद्दे को उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कक्षाओं में क्यों नहीं आने दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। इस बीच स्कूल में हिजाब पहनने का मुद्दा कर्नाटक हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर बैठक की है। हाईकोर्ट इस मामले में 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सुनो सोनल, मुझे बताओ कि यूपी में गाँव की लड़कियाँ नौकरी की तलाश में ज्यादा है या कोई स्किल सीख कर अपना काम शुरू करना चाहती हैं?